ए टिपिकल माइकोबैक्टीरिया, ठीक है जी। ये ए टिपिकल माइकोबैक्टीरिया भी हमारा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन होता है, ठीक है। और ये आता हमेशा इस तरह है कि एग्ज़ाम में कि राइट डाउन इट्स द रनियॉन्स क्लासिफिकेशन। रनियॉन ऑब्वियसली नाम होगा जिसने भी इस पे काम किया होगा सबसे पहले, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात जो आई डोंट नो हाउ आई मिस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की कॉलोनीज होती हैं लॉविंस्टन जेंसन पर, विच टेक 6 to 8 वीक्स, दे आर देयर जनरल करेक्टरिस्टिक्स आर दैट दे आर रफ, टफ एंड बफ कॉलोनीज, ठीक है। ये प्रॉफ में बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि आपके व्हाट आर द वेरियस कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। सो ऑन द लॉविंस्टन जेंसन द कॉलोनीज ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस दे आर रफ, टफ एंड बफ, नेवर टू फॉरगेट इट एंड टेक 6 to 8 वीक्स। नाउ फॉरगेट अबाउट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड वी विल नाउ ओनली टॉक अबाउट द ए टिपिकल माइकोबैक्टीरिया। अच्छा वैसे ये होते क्या है ए टिपिकल माइकोबैक्टीरिया? योर बुक लेविंसन से टू वेरी कॉमन पॉइंट्स अबाउट इट, दैट सबसे पहली बात है कि इट्स वाइड स्प्रेड देयर इन द एनवायरमेंट, इट्स देयर इन द एनवायरमेंट, ठीक है। ये एनवायरमेंट में होते हैं, ये सॉइल में होते हैं, ये वाटर में होते हैं, ठीक है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से कंट्रास्टिंग फीचर है एंड दे आर एंड दे डू नॉट अफेक्ट द गिनी पिग्स, ठीक है। ये गिनी पिग्स के ऊपर जो है ना उनके ऊपर ये पैथोजेनिक इफेक्ट नहीं करते, ठीक है। एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, जबकि जो बेचारे ये जो गिनी पिग्स होते हैं ना, सबसे ज़्यादा दुनिया में इन्हीं के ऊपर सारी रिसर्च हुई है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क है इट्स ऑन द गिनी पिग्स, बट दिस ए टिपिकल माइको बैक्टीरिया दे डू नॉट अफेक्ट द गिनी पिग्स, ठीक है। एंड दे आर वाइड स्प्रेड देयर इन द एनवायरमेंट, दीज टू पॉइंट्स आर देयर इन योर बुक। अच्छा नाउ व्हाट इज दिस रनियॉन क्लासिफिकेशन ऑफ ए टिपिकल माइको बैक्टीरिया? इट इज़ बेसिकली टू डिवाइड दीज ए टिपिकल माइकोबैक्टीरिया इंटू बेसिकली फोर ग्रुप्स, ठीक है। कौन से फोर ग्रुप्स हैं जी? दे आर दी फोटो क्रोमोजेंस, दे आर दी फोटो क्रोमोजेंस, देन वी हैव स्कोटो क्रोमोजेंस, ठीक है, फोटो क्रोमोजेंस, स्कोटो क्रोमोजेंस, नॉन क्रोमोजेंस एंड रैपिड ग्रोअर्स, ठीक। ये सिंपल सी इजी सी क्लासिफिकेशन होती है, एग्जाम्स में अगर आ जाए तो यूजुअली स्टूडेंट्स गेट फुल मार्क्स। नो दीज थ्री आर स्लो ग्रोअर्स, मीन्स जस्ट लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस देयर कॉलोनीज ऑन द एल्जे आल्सो टेक 6 to 8 वीक्स, बट दिस रैपिडिटी, दीज रैपिड ग्रोअर्स, दे ये एल्जे पर ही इनकी रैपिड ग्रोथ होती है, ठीक है। इनकी एल्जे के ऊपर ही जो कॉलोनीज हैं, ठीक है, वो आपकी 4 वीक से पहले पहले आ जाती है। विद इन 4 वीक्स इनकी जो ग्रोथ है वो एलजे पर आ जाती है, तो वो पता चलता है कि ये दीज आर द रैपिड ग्रोअर्स ऑफ द एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया, जबकि ये उसी तरह 6 to 8 वीक्स लेते हैं। नाउ फोटो क्रोमोजेंस, फोटो मीन्स लाइट एंड क्रोमोजेंस मीन्स कलर, दे प्रोड्यूस पिगमेंट, दे प्रोड्यूस अ पिगमेंट इन लाइट ओनली, ठीक। ये आप कभी जाए ना, अगर कभी इतफाक हो आपका जाने का ऐसी लैब्स में कि जहाँ पे वो एलजे को यूज़ करके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की ग्रोथ हो रही होती है, तो हम जाया करते थे गुलाब देवी हॉस्पिटल में जब हम एमफिल कर रहे थे, तो वो एलजे को निकाल के ना उसमें से इनक्यूबेटर में से तो वो खिड़की में रख देते थे रोशनी की तरफ, और वंस वी आस्क कि इस तरह क्यों कर रहे हैं, दे सेड टू डिफरेंशिएट द फोटोक्रोमोजेंस फ्रॉम द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ब्यूटिफुल ऑरेंज कलर पिगमेंट एलजे के ऊपर, ये खूबसूरत ऑरेंज कलर पिगमेंट होता है फोटोक्रोमोजेंस का, जो जब इसको एक्सपोज करते हैं लाइट पे तब वो ऑरेंज पिगमेंट जो है वो आता है, जबकि जो स्कोटोक्रोमोजेंस होते हैं दे प्रोड्यूस द पिगमेंट बोथ इन द लाइट एंड डार्कनेस, ठीक है। ये लाइट में भी पिगमेंट प्रोड्यूस कर लेता है और डार्कनेस में भी प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है, मतलब ये इनक्यूबेटर के अंदर भी वो पिगमेंट प्रोड्यूस कर। और नॉन क्रोमोजेंस ऑब्वियसली दे प्रोड्यूस नो पिगमेंट एंड रैपिड ग्रोअर्स, दे आर नॉट द स्लो ग्रोइंग, they produce their characteristic colonies on the algae within the 4 weeks. इनके नाम, इनके examples याद करनी होती है जी, ठीक है। ये mostly जो हैं ये सारे के सारे जो हैं they are in the soil, they are in the water, जैसे पहले बताया photochromogens, इसमें बड़े common से नाम होते हैं माइकोबैक्टीरियम कैंसासी एंड माइकोबैक्टीरियम मैरिनम। अब मैरिनम का नाम ही बता रहा है कि ये तो पानी में होगा, फिश टैंक ग्रैंडलोमा, ठीक है, फिश टैंक
ग्रैनुलोमा भी हो जाते हैं इससे, जो करेक्टरिस्टिक लियंस हैं। ज़ाहिर है फिश के टैंक्स में जो लोग काम करते होंगे उनके कोई लियंस हो जाए तो वहाँ पे फिश टैंक ग्रैनुलोमास बन जाते हैं। माइकोमेटेरियम कैंसासी, ये बड़ा कॉमन है, जस्ट टीबी लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज करता है। ठीक है, तो दीज फोटोक्रोमोजिन्स द टू एग्जाम्पल्स आर माइकोबैक्टीरियम कैंसासी एंड माइकोबैक्टीरियम मैरिनम। देन वी हैव स्कोटोक्रोमोजिन्स, द एग्जाम्पल ऑफ स्कोटोक्रोमोजिन्स माइक्रोबैक्टीरियम सुक्रोफोलेशियम। एंड एज आई टोल्ड यू पीपल इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में भी स्क्रॉफ्ला बन जाते हैं। ठीक है, एक प्रेजेंटेशन है उनकी क्लिनिकल के स्क्रॉफ्ला। एंड व्हाट आर द स्क्रॉफ्ला? दे आर द सर्वाइकल एडिनाइटिस। ठीक है, जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं इनफ्लेम्ड, दिस सर्वाइकल एडिनाइटिस। तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी स्क्रॉफ्ला कर देते हैं और स्कोटोक्रोमोजिन्स भी प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन कैसे कर लेंगे? पिगमेंट से ऑन द एल्जे। ठीक है, फोटोक्रोमोजिन्स माइकोबैक्टीरियम कंसासी माइकोबैक्टीरियम मैरिनम। देन वी हैव स्कोटोक्रोमोजिन्स, द एग्जाम्पल इज माइकोबैक्टीरियम सुक्रोफिलेशियम। नॉन क्रोमोजिन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो ही नहीं सकता कि एग्जाम में, अभी के एग्जाम्स में या बाद में पोस्ट ग्रेजुएट के एग्जाम्स में इस पे एमसीक्यू ना आए। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ नॉन क्रोमोजिन्स ऑफ द एटिपिकल बैक्टीरिया इन द रनियॉन्स क्लासिफिकेशन इज माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर। इट क्लासिकली काजेज अ जस्ट टीबी लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज ओनली इन द पेशेंट ऑफ एड्स। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी एड्स वाले पेशेंट्स में टीबी कर देता है, लेकिन वो तो दूसरों में भी कर देता है ना, बट माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर इट ओनली अटैक्स द पेशेंट्स ऑफ एड्स। एंड व्हेन वी से दैट दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एड्स, व्हेन द नंबर ऑफ काउंट ऑफ द CD4 सेल्स इज लेस देन 200 पर माइक्रोलीटर। ठीक है, जब 200 सेल्स से कम हो जाते हैं देन वी कॉल इट एड्स। ठीक है, तो ये नॉन क्रोमोजिन्स एवियम इंट्रासेलुलर, इट अटैक्स द पेशेंट्स ऑफ एड्स। फिर है जी आपका रैपिड ग्रोवर्स। रैपिड ग्रोवर्स में आपका जो नाम है आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, इसमें है जी माइकोबैक्टीरियम एब्सेसिस, देन वी हैव माइकोबैक्टीरियम स्मेगमेटस। ठीक है, ये रैपिड ग्रोवर्स में आपके आ जाते हैं। फिर एक इसमें अजीबोगरीब सा नाम है, माइकोबैक्टीरियम फॉर्चुटम किलोनी, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस कर लें। ठीक है, ये रैपिड ग्रोअर्स होते हैं। वो कहते हैं कि जी रैपिड ग्रोअर्स जो हैं ये यूजुअली जिनमें पेशेंट्स में कैथेटर्स, इंडवेलिंग कैथेटर्स हैं, कोई प्रोस्थेटिक हिप जॉइंट्स हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये भी ये उनमें कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल लेक्चर ऑफ ए टिपिकल माइकोबैक्टीरिया रनियॉन क्लासिफिकेशन।